हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी J3 प्रो, वीवो V5 प्लस, शाओमी MI6 और MI6 प्लस, सैमसंग पोर्टेबल स्मार्टफोन, वन प्लस 5 टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एंड लास्ट वन एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2 के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज की पहली न्यूज़ सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने लॉन्च कर दिया इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी J3 प्रो। तो फ़ोन की स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह है। 5 इंच की HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है यहाँ पर आपको। 1.5 GHz का प्रोसेसर, 2 GB की रैम, 16 GB का स्टोरेज, और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 2600 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, जो एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप के साथ आपको मिलने वाला है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको रेयर कैमरा 8 MP का ऑटो फोकस के साथ 2.2 एपेचर मिलने वाला है। उसके साथ फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 MP का कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। प्राइस की बात करें तो 8490 होने वाली है प्राइस। उसके बाद बात करें तो शाओमी के MI फैन फेस्टिवल 6 April 2017 को आपको मिल सकता है नोट 4 और नोट 4A सिर्फ 1 रुपये में। तो गाइस, डोंट मिस द चांस, अभी जाके MI स्टोर पर लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद बात करें तो वीवो लॉन्च करने वाला है वीवो V5 प्लस, जो होगा लिमिटेड एडिशन में। तो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम यहाँ पर हमें 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले, 2.0 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो होगा स्नैपड्रैगन का 625, और उसके साथ हमें यहाँ 4 GB की रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है, जो एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो पर रन करेगा। तो है मार्केट में हमें ये फ़ोन कब तक देखने को मिल जाता है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं, शाओमी के CEO ने कंफर्म किया है कि MI के आने वाले न्यू फ्लैगशिप फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमें 2 मॉडल देखने को मिल जाएंगे, नंबर 1 MI6 एंड नंबर 2 MI6 प्लस। तो अगर MI6 की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें 3 वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं MI6 के अंदर, जो होगा 4 GB की रैम और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो उसकी प्राइस हो सकती है अप्रॉक्स 19,000। उसके बाद हम बात करें सेकंड वन की, तो 4 GB की रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज होगा, जिसकी प्राइस हो सकती है 22,000 के आसपास। और लास्ट वाला जो होगा 6 GB की रैम और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, और उसकी प्राइस कुछ हो सकती है 25,500 रुपये के आसपास। एंड MI6 प्लस की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर MI6 प्लस में भी हमें 3 वेरियंट देखने को मिल सकते हैं। जो पहला वेरियंट होगा वो होगा कुछ 4 GB की रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस हो सकती है 25,000 के अराउंड। सेकंड वेरिएंट 6 GB की रैम होगी, 128 GB का रोम होगा, जो हमें कुछ 28,000 के आसपास की प्राइस मिल सकती है। उसके बाद लास्ट वेरिएंट की बात करें तो 8 GB की रैम एंड 256 GB का इंटरनल स्टोरेज यहां पर हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी प्राइस हो सकती है 33,000 अप्रोक्स। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें 2K डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, और रूमर्स है कि S7 एज की तरह ही डिस्प्ले हमें बोथ साइड कर्व होगी, जहां स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर, 4000 mAh की बैटरी एंड क्विक चार्जर 4.0 का सपोर्ट हो सकता है। तो MI6 एंड MI6 प्लस इसी महीने लॉन्च होने वाला है। इट इज़ ब्रिलियंट गाइस, ग्रेट जॉब Xiaomi। तो यहां अगली खबर है जियो को लेके। तो जियो ने 3 महीने के लिए जियो की हर सर्विस फ्री कर दी है फिर से एक बार। तो उसी के साथ साथ यहां पर खबर आ रही है कि बाकी जो है टेलीकॉम कंपनियां, वो भी कुछ धमाकेदार ऑफर दे सकती है हमें। तो अगली न्यूज़ है OnePlus 3 के बारे में। तो गाइस, OnePlus 3 और OnePlus 3T की सक्सेस के बाद OnePlus अपना न्यू फ्लैगशिप फ़ोन OnePlus 5 लॉन्च कर सकता है, वो भी यही जून महीने में। आप सोच रहे होंगे कि OnePlus 4 कहाँ है। तो गाइस, OnePlus का मानना है कि 4 नंबर चाइना के लिए अनलकी है। तो गाइस, OnePlus प्लान कर रहा है अपना न्यू फोन OnePlus 5 एंड स्किप कर रहा है OnePlus 4 को। देखते हैं OnePlus 5 OnePlus के लिए कितना लकी रहता है। तो OnePlus 5 को लेकर कुछ स्पेसिफिकेशन लीक्स आ रही है कि OnePlus 5 में आपको Qualcomm का Snapdragon 835 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ 8 GB की रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको क्योर HD डिस्प्ले मिलने वाली है, जो होगी सुपर एमोलेड के साथ। और कुछ लीक्स ये भी कहती है कि OnePlus 5 की डिस्प्ले जो होगी वो सैमसंग गैलेक्सी S8 की तरह ही कर्व और राउंड होगी। उसके बाद कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 23 MP का रेयर कैमरा होगा, और यहाँ पर 16 MP का फ्रंट कैमरा होगा। उसके साथ साथ 4000 mAh की बैटरी होगी, एंड OnePlus 5 की एंड्रॉयड सिस्टम होगी 7.0।
और प्राइस कुछ अप्रोक्स $400 या $500 के आसपास हो सकती है। सैमसंग का कहना है कि सैमसंग की टाइजन जो OS है वो सबसे सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगली खबर है व्हाट्सएप की तरफ से। अब व्हाट्सएप लॉन्च कर सकता है कुछ ऐसा फीचर जिसमें हम पैसे की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो एंड्रॉयड 7.1.2 नोगेट अपडेट्स नेक्सस और पिक्सल्स डिवाइस में मिलना शुरू हो चुका है। तो साथ ही साथ एप्पल ऑल्सो रोल्स आउट ISO 10.3.1 विथ बग्स फिक्सेस एंड सिक्योरिटी पैचेस। सो गाइस अपग्रेड योर आईफोन। तो लास्ट न्यूज़ कुछ गूगल की तरफ से है। तो गूगल जल्द ही लॉन्च कर सकता है न्यू एंड्रॉयड वर्जन O, जिसकी बीटा टेस्टिंग चल रही है। अगर आप जानना चाहते हो कि एंड्रॉयड O में क्या क्या नया है नए नए फीचर्स है तो ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपके पास गूगल पिक्सल या नेक्सस का फ़ोन है तो अब आप भी अपने फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड O बीटा वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।